Hello students, so today we will start the class 9 maths chapter number 2 exercise 2.5 का question number 8। ठीक है, हमने कई सारी identities देखी हुई है, वो identities किस तरीके से work करती है उनके बारे में हमने देखा हुआ है। आज हम उन्हीं identities को यहाँ पर apply करेंगे। okay, see what was given 8 question में। first number 8a cube plus b cube 12a square b plus 6ab square। ठीक है, हमें यहाँ पर ये गिवन है। अब हमें यहाँ पर फैक्टराइज करना है, तो देखो सब क्यूब है, तो क्यूब की फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है, a cube plus b cube, sorry a plus b cube का एक्सपांशन क्या होता है, a cube plus b cube plus 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है फैक्टराइज, मतलब एक्सपांशन फॉर्म में गिवन है, आपको स्मॉल फॉर्म में बनाना है। अगर आपको लिखा हुआ एक्सपांड तो आपको मतलब इस फॉर्म में से इस फॉर्म में लाना है, फैक्टराइज तो इस फॉर्म में से इस फॉर्म में ला गया। तो चेक कर लेते हैं, अब एट ए का क्यूब का क्यूब रूट 2a क्यूब, बी क्यूब का क्यूब रूट बी क्यूब 3, a कितना है हमारा 2a, b कितना है हमारा b, a कितना है 2a plus b, तो इसको तो ऐसे ही रहने दो, 3 2 6 ab ब्रैकेट में 2a plus b। अब देखो मल्टीप्लाई करके चेक कर दो, 6 2 12 a square b, तो आ गया 12 a square b, 6 1 जा 6 ab square, आ गया 6 ab square, तो यहाँ पर हमारा आ रहा है आंसर। तो फैक्टराइज क्या होगा, 2a यहाँ पर प्लस है तो प्लस बी क्यूब, सो इट विल बी योर फैक्टराइजेशन, कि हमने फैक्टराइजेशन करके चेक किया कि हमारा आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, क्लियर हुआ। नाउ सी सेकंड नंबर, क्या गिवन है हमें सेकंड नंबर में, 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 12 ए स्क्वायर बी प्लस 6 ए बी स्क्वायर, सेम फर्स्ट नंबर जैसा ही है, बस यहाँ पर माइनस है, ए प्लस बी क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। ठीक है, अब ए क्या होगा, 8 ए क्यूब है तो इसका क्यूब रूट करेंगे तो 3ab, सॉरी यहाँ माइनस है ना सब जगह, तो माइनस ले लेते हैं। ठीक है, माइनस बी का क्यूब माइनस 3 2a plus b और 2a minus b, so 2a cube minus b cube 3 2 6 ab bracket में 2a minus 6 2 12 a square b 6 1 6, तो आ रहा है हमारा जो आंसर ये वाला, so 2a minus b का cube, so it will be your answer। okay, खाली यहाँ पर minus है, first number में plus था। थर्ड नंबर आपका होमवर्क है, सी फोर्थ नंबर, क्या गिवन है फोर्थ नंबर में, 64 ए क्यूब माइनस 27 बी क्यूब माइनस 144 ए स्क्वायर बी प्लस 108 ए बी स्क्वायर। ठीक है, नाउ माइनस है तो माइनस वाली आइडेंटिटी लगाएंगे, ए क्यूब 64 का क्यूब रूट 4 ए क्यूब होगा, 27 बी का क्यूब रूट 3 बी क्यूब होगा, ए कितना है 4 ए, बी कितना है 3 बी ब्रैकेट में 4 ए माइनस 3 बी, ये तो सेम, चेक कर लेते एक बार, 3 टू जा 3 4 जा 12 12 3 जा 36 ए बी ब्रैकेट में 4 ए माइनस 3 बी, 36 4 जा 144 आ गया ए स्क्वायर बी, 34 3 जा 36 4 जा 3 जा 36 3 जा 108 माइनस माइनस प्लस ए बी स्क्वायर, तो ये भी हमारा आ गया, सो 4a माइनस 3b का क्यूब, सो इट विल बी योर आंसर। ठीक है, नाउ लास्ट फाइव नंबर, क्या गिवन है हमें फाइव नंबर में, ध्यान से देखना, 27 पी क्यूब माइनस 1 अपॉन 216 माइनस 9 अपॉन 2 पी स्क्वायर प्लस
वन अपॉन फोर पी। ओके अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे देखो ध्यान से, पहले तो माइनस है तो माइनस वाली आइडेंटिटी लगाएंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी ब्रैकेट में ए माइनस बी। अब ए का क्यूब रूट तो 27, बी का क्यूब रूट कितना होगा 3b क्यूब 1 अपॉन 216। 1 का क्यूब रूट आपको पता है 1 ही होता है, 216 का क्यूब रूट होता है 6, तो 1 अपॉन 6 का क्यूब रूट 3। ए कितना है 3b, बी कितना है 1 अपॉन 6 और यहां पर 3b माइनस 1 अपॉन 6, तो बाकी सब तो सेम रहेगा। लास्ट में वेरीफाई कर लेते हैं, 3 1 3 2 2 तो 3p अपॉन 2, यहां पर 3p माइनस 1 अपॉन 6। अब देखो यहां पर ध्यान से, 3 3 9 अपॉन में 2 तो ओके तो 9 अपॉन 2 p मल्टीप्लाई में p p स्क्वायर ये आ गया, 3 1 3 अपॉन में 12 तो 3 देखो यहां पर करके बता दे रहा हूं 3 अपॉन p मल्टीप्लाई में 1 अपॉन 6 तो ये 1 अपॉन 4p होगा, 1 2 2 4 तो 1 अपॉन 4p तो वो भी आ गया, तो यहां पर वेरीफाई हो गया, तो 3p माइनस 1 अपॉन 6 का क्यूब है ये, ठीक है। तो इस नंबर को फैक्टराइज करोगे तो कितना आएगा 3p माइनस 1 अपॉन 6 का क्यूब, ठीक है। सो यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है, समझ आया। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 वेरीफाई, आपको क्वेश्चन नंबर 9 में वेरीफाई करना है, सी फर्स्ट नंबर x³ + y³ = 2, x² - xy + y² को वेरीफाई करना है इन दोनों को। अब वेरीफाई कैसे करोगे, वेरीफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हम क्या कर लेते हैं LHS और RHS दोनों में से किसी एक को इक्वल बना लेते हैं। तो मैं यहां पर पहले RHS ले लेता हूं, क्या गिवन है RHS में मुझे x + y और x² - xy + y² दोनों का मल्टीप्लाई कर देता हूं, x को पहले इन तीनों से मल्टीप्लाई करता हूं, x³ - x²y + xy² फिर y को इन सब से प्लस x²y - xy² + y³ प्लस माइनस कट प्लस माइनस कट क्या बचा x³ + y³ = LHS, ठीक है। सो ये आपका आंसर, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड, मतलब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ गए, ठीक है। नाउ सी सेकंड नंबर भी आपको ऐसे ही गिवन है वेरीफाई करने को, x³ - y³ = x - y x² + xy + y² ले लो राइट हैंड साइड को कलर, और क्या करते हैं मल्टीप्लाई, ओके तो x² + x³ + x²y + xy² तीनों के साथ मल्टीप्लाई किया, देन आपका माइनस माइनस x²y देन आपका अगेन माइनस xy² प्लस माइनस माइनस y³ x² y कट xy कट तो x³ - y³, ठीक है। इट इज इक्वल्स टू एल एच एस, मतलब यहाँ पर आपके दोनों इक्वल आ गए, ठीक है। ये ऐसे एक आइडेंटिटी भी यूज होती है, इसको याद रखना, कई बार आइडेंटिटी में पूछा जाता है। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 10, आपको जो क्वेश्चन नंबर 10 करना है वो क्वेश्चन नंबर 9 की आइडेंटिटी को यूज करके ही करना है, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकते हैं। क्या गिवन है 25y³ + 125z³, मतलब आपको x³ + y³ गिवन है, आपको ये फॉर्म में लाना है। तो पहले आप कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हो वो लिख दीजिए, ठीक है। तो x³, अब तो इसका क्यूब रूट करना पड़ेगा, तो 27 का क्यूब रूट 3y प्लस 125z का क्यूब रूट 5z, ओके। सो यहां पर x का स्क्वायर मतलब 3y का स्क्वायर 3y, y क्या है हमारा 5z प्लस
फाइव जेड का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3y प्लस 5z, 3 का स्क्वायर 9y माइनस 3 5 का 15yz प्लस 27z स्क्वायर, ये आपका आंसर। ठीक है, कुछ मल्टीप्लाई आगे और नहीं करना, बस इतना रख के छोड़ देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। नाउ सी सेकंड नंबर, क्या गिवन है, 64n³ माइनस 343n³। ठीक है, अगेन यहां माइनस है तो x³ माइनस y³ is equals to x minus y bracket में x square minus x y plus y square। ठीक है, अब इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, तो x cube मतलब 64 का cube root, तो 4m होगा, 343 7 का cube root होता है, तो 7n हो जाएगा, यहाँ 4m का square minus 4m 7m plus 7m का square, तो 4m माइनस 7m 16m स्क्वायर माइनस 28mm प्लस 49m स्क्वायर, सो इट विल बी योर आंसर। ठीक है, तो यहां पर आपको आंसर आ जाएगा 4m माइनस 7m 16m स्क्वायर माइनस 28mm प्लस 49m स्क्वायर, मतलब क्वेश्चन और 9 और 10, 9 में आपने वेरीफाई किया और क्वेश्चन 9 की फॉर्मूला मतलब उन्हीं की आइडेंटिटीज को यूज करके आपने क्वेश्चन 10 सॉल्व कर दिया। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 11, आपको फैक्टराइज करना है, क्या गिवन है, 27x³ + y³ + z³ - 9xyz। ठीक है, इसके लिए मैंने आपको आइडेंटिटी नंबर 8 बताई थी, कभी भी ऐसा हो x³ + y³ + z³ माइनस 3xy तो इज इक्वल्स टू क्या होता है, ब्रैकेट में x प्लस y प्लस z देन ब्रैकेट क्लोज सेकंड ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस xy माइनस yz और माइनस zx। ठीक है, आइडेंटिटी नंबर 8 आपको याद होनी चाहिए इसके लिए बहुत अच्छे से, मैं यहां पर लिख भी देता हूं, x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू क्या होता है, x प्लस y प्लस z और x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx, ये पूरी बड़ी आइडेंटिटी। ओके, अब यहाँ पर हमारे x cube क्या है, 27 का cube, तो उसका root क्या होगा, 3x। ठीक है, y का y cube का cube root, तो y z का cube root z, यहाँ पर 3x का square y का square plus z का square minus 3xy माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स ब्रैकेट क्लोज, तो 3x प्लस वाई प्लस जेड ओके 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस जेड सॉरी एक्स हमारा 3x है ना 3zx। ओके, सो ये आपका आंसर, क्या आंसर आ गया, 3x plus y plus z bracket close na bracket 9x square plus y square minus z plus z square minus 3xy minus yz minus 3zx। so यहाँ पर आपका question number 11 भी complete होता है। okay, समझ में आया यहाँ तक। now question number 12 क्या नाम है, verify, again verify करना है हमें question number 12 में। ओके, सो वेरीफाई आपको क्या करना है, x क्यूब प्लस y क्यूब z क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल्स टू हाफ x प्लस y प्लस z x माइनस y का स्क्वायर y माइनस z का स्क्वायर z माइनस x का स्क्वायर। ओके, So, ये चीज हमें सॉल्व करनी है, अगेन वेरीफाई है, तो जैसे हमने पहले क्वेश्चन नंबर 9 में किया था, आ रहे तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इसका एक्सपांशन करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, पता है ना ए माइनस बी का स्क्वायर का एक्सपांशन, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, अगेन वाई स्क्वायर माइनस टू वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर 2zx plus x square,
ओके, हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू जेड स्क्वायर, माइनस टू एक्स वाई माइनस टू वाई जेड माइनस टू जेड एक्स। ठीक है, देखो सब में टू 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 है, तो टू को क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू टू ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये टू और ये टू कट, तो क्या आ गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। और ये क्या है, आइडेंटिटी नंबर एट। अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी नंबर एट आप ऐसे लिख सकते हो, एट आपको पता है इसका सारा क्या होता है, ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड। ओके, ये आपका हो गया इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड। ओके, ये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ये किसके इक्वल आ गया, लेफ्ट हैंड साइड। आइडेंटिटी नंबर एट के अकॉर्डिंग लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल हो गया। ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट वाज गिवन इन द क्वेश्चन नंबर 13, क्या गिवन है आपको, अगर x plus y plus z equals to 0 होता है, ठीक है, तो आपको क्या प्रूव करना है कि x cube plus y cube plus z cube is equals to 3xyz होता है। ठीक है, वापस आइडेंटिटी नंबर 8 आपको पता है, अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी 8 क्या होता है, x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz equals to x plus y plus z, x square plus y square plus z square minus x square minus y z minus z x। ठीक है, अब यहाँ पर ये इसकी वैल्यू आपको गिवन है कितनी, जीरो, तो ये ऐसे ही रहने दो, x cube plus y cube plus z cube minus 3 x y z जीरो और ब्रैकेट में x square plus y square plus z square। अब जीरो को इन सबसे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा, जीरो ही, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड इक्वल्स टू जीरो, माइनस थ्री एक्स वाई जेड उधर जाएगा, तो इक्वल्स टू आ गया थ्री एक्स वाई जेड। सो वी हैव प्रूव्ड दैट कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल्स टू कितना होता है, थ्री एक्स वाई जेड। ओके, समझ में आया, ये मोस्ट आई सॉरी ये वाला मोस्ट आईएमपी है क्वेश्चन नंबर 12 4 मार्क के लिए, ना काफी बार 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन नंबर 12 पूछा जाता है, सो मोस्ट आईएमपी से टिक करके रखना। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में आपको ये वाली आइडेंटिटी यूज करनी है, क्वेश्चन नंबर 13 वाली एक मैं कर रहा हूं एक आपको खुद करना है। क्या गिवन है फर्स्ट नंबर में, -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, तो देखो x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब इज इक्वल टू कितना होता है 3xy, तो x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब इज इक्वल टू 3xyz, तो 3x कितना है हमारा -12, y कितना है 7, z कितना है 5। ठीक है, अब देखो 36 मल्टीप्लाई बाय 35 18 10 30 18 0 6 2 1, तो -1 2 6 0 will be your answer। मतलब अगर इन तीनों का क्यूब करके प्लस माइनस करोगे तो यही आंसर आएगा, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि यही आंसर रहने वाला है। तो क्वेश्चन 13 की आइडेंटिटी का यूज करके हमने क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व किया। चलो सेकंड नंबर भी देखिए, देखना है 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब, अगेन आइडेंटिटी x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब इज इक्वल टू 3xyz, तो 3x कितना है हमारा 28, y कितना है -15 और ये -13। ठीक है, अब 28 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 के साथ, 3 8 24, 3 2 6 और 8, ठीक है 84, 84 को फिर करना है 15 से 148,
20, 40 or 42, 0, 6, 12, फिर 13 से मल्टीप्लाई कर दो, 0, 6, 2, 1, 0, 18, 7, 3, तो 0, 8, 3, 6, 1, तो 16380, माइनस माइनस प्लस, इसकी वजह से 16380 आपका आंसर आ जाएगा, सो इट इज योर आंसर, ओके पता चला, ओके नाउ सी क्वेश्चन नंबर 15, फर्स्ट नंबर आपको क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 15 में, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन, आपको इसकी लेंथ और ब्रीथ के पॉसिबल एक्सप्रेशन बताना है, रेक्टेंगल की साइड से, ठीक है, मतलब आपको फैक्टर दिया हुआ है रेक्टेंगल का, आपको फैक्टराइज करके दो वैल्यू फाइंड करनी है, जिसमें से एक उसका लेंथ होगा एक उसका ब्रीथ, 25a² - 35a + 12, फैक्टराइज करेंगे, कैसे फैक्टराइज करेंगे, थर्ड टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 12 × 25, अब इनका मल्टीप्लाई के बाद जो आंसर है जैसे हम करते थे उसको ऐसे ब्रेक करना है कि प्लस माइनस के बाद 35 आवे और मल्टीप्लाई करें तो यही आंसर आवे, अब इतना बड़ा मल्टीप्लाई करें फिर तोड़े, इससे अच्छा इनका फैक्टर कर लेते हैं, 12 का आपको पता है 4 3 जा और 25 क्या होता है 5 5 जा, क्या लेना है 35, तो देखो 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 20 + 15 हो गया 35, और मल्टीप्लाई करोगे तो यही चार वाइस के हैं तो यही होगा, सो 25a² - 20a - 15a + 12 = 0, कॉमन 5a ब्रैकेट में 5a - 4, 3 कॉमन 5a + −−4 = 0, 5a - 3 = 0, 5a - 4 = 0, 5a = 3, 5a = 4, a = 3/5, a = 4/5, ये आपका आंसर, एक को लेंथ एक को ब्रीथ आप ले सकते हो, ओके सर मैं फैक्टराइज ही करना है लास्ट में से आंसर ही फाइंड करना है, खाली यहाँ पर आपको एक नया टर्म के भी लेंथ और ब्रीथ बताओ ऐसा बोला गया, फिर क्या गिवन है 35y² + 13y - 12, तो 12 × 35, तो 12 होता है 4 3 जा, 35 होता है 7 5 जा, ठीक है, तो अब हमें क्या लाना है 13, तो 7 4 जा 28, 3 5 जा 15, मतलब 28 - 15 कितना होगा 13 आ गया, सो 35y² + 28y - 13y, देखो 13 में पहले भी ले सकता हूँ पर यहाँ पर प्लस है तो मुझे बड़े नंबर के आगे प्लस ही रखना पड़ेगा, इसलिए मैंने 28 पहले लिया -12y, ठीक है सॉरी 15 है ना, ओके इन दोनों में कॉमन 7y, ब्रैकेट में क्या बचेगा 5y + 4, इन दोनों में कॉमन 3, तो -3 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचेगा 5y −−+4, 7y - 3, 5y + 4 = 0, 7y - 3 = 0, 5y + 4 = 0, 7y = 3, 5y = −4, so y = 3/7, y = −4/5, ये आपका आंसर, ठीक है, सो यहाँ पर आपका क्वेश्चन 15 भी कंप्लीट होता है, नाउ वी विल सी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर, क्वेश्चन नंबर 16, हमें यहाँ पे वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है, क्यूबॉइड का, मतलब यहाँ पर आपको तीन आंसर लाने पड़ेंगे, पहले क्या था लेंथ और ब्रीथ तो दो आंसर से काम चल जा रहा था, अब हमें यहाँ पर तीन आंसर लाने हैं, सो सी क्वेश्चन नंबर 16, फर्स्ट नंबर क्या गिवन है 3x² - 12x, देखो काफी इजी है, दोनों में कॉमन क्या है 3x, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा x - 4, ठीक है, दोनों को क्या करो खुद खुद का जीरो